समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शर्मा और आज हो रही है आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं की मीटिंग। आज हमारे बीच आदर और मान सम्मान के योग्य हमारे राज्यसभा सांसद श्री सुशील गुप्ता जी आए हैं। आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार दिल्ली के अंदर 90% सीटों को जीत के सरकार बनाई और पूरे देश के अंदर काम की राजनीति की चर्चा शुरू। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी केंद्र की सरकार लगा के, पूरी हरियाणा की सरकार लगा के, पूरी यूपी की सरकार लगा के, इनके बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, 300 के करीब सांसद और खुद गृह मंत्री जी ने कमांड संभाल के अमित शाह जी ने घर घर जाके घंटी बजा के पोस्टर देकर वोट मांगी। परंतु दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने नफरत की राजनीति को नकार दिया, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति को दरकिनारे किया और काम की राजनीति को समर्थन दिया। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार ने बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा, बिजली पानी अच्छी और 24 घंटे, बच्चों को रोजगार की जो शुरुआत की, वो जो राष्ट्र निर्माण का अभियान वहां से शुरू हुआ, वो आज पूरे देश में अनेकों सरकारें दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को अपनाने के लिए कहीं स्कूल अच्छा करने की बात कर रही है तो कहीं बिजली सस्ता करने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी ने एक नंबर लॉन्च किया 9871010101 9871010101। इस नंबर पे मिस कॉल देके पूरे हिंदुस्तान से आम आदमी पार्टी के साथ कोई भी जुड़ सकता है। नतीजा ये हुआ कि 24 घंटे के अंदर 11 लाख से ऊपर मिस कॉल आई। देश के 23 राज्यों में हमने राष्ट्र निर्माण का अभियान शुरू किया। हमने कहा कि राष्ट्र निर्माण अच्छे स्कूल बनाने से है, अच्छे हॉस्पिटल बनाने से है, 24 घंटे लोगों को बढ़िया और सस्ती निरंतर बिजली और पानी देने से है, किसानों को उत्थान करने से है, व्यापारियों के व्यापार को आगे बढ़ाने से है, नौजवानों को रोजगार देने से। राष्ट्रवाद जो जाति और धर्म में बांटे वो छूटा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जो पड़ोसी मुल्कों से तनाव की स्थिति को हमेशा बना के रखे वो छूटा राष्ट्रवाद है। सच्चा राष्ट्रवाद है देश को विकसित राज्यों के अंदर शामिल करना और प्रांत जितने भी हिंदुस्तान के अंदर है उनके अंदर दिल्ली मॉडल पे शिक्षा, चिकित्सा, बिजली पानी का प्रबंध करना। हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है। हरियाणा के अंदर शिक्षा का बजट 13% है, दिल्ली के अंदर 26%। दिल्ली के अंदर हेल्थ का बजट 13% है, हरियाणा में 4.5% है। दिल्ली के स्कूलों के अंदर 96% बच्चे 12वीं के अंदर पास होते हैं, हरियाणा में 76% बच्चे पास होते हैं। हरियाणा की महिलाओं को बसों के अंदर अपनी टिकट देनी पड़ती है, दिल्ली में पूरे देश की महिलाएं बसेस के अंदर फ्री है। दिल्ली के अंदर 116 महकमों के सेवाएं, डॉक्यूमेंट्स दिल्ली के नागरिकों को घर पे पहुंचाई जाती है। हरियाणा में भ्रष्टाचार की लाइन के अंदर लगकर लोगों को बड़ी मुश्किल से कागज मिलते हैं। मैं ये चाहता हूं और हरियाणा की जनता ये चाहती है कि दिल्ली वाले काम हरियाणा के अंदर भी हो। हट्टर साहब इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, मंडियों में व्यापारी परेशान रहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके किसी न किसी तरीके से किसान को परेशान करते हैं, आरजी को परेशान करते हैं। हरियाणा के अंदर पिछले 5 साल में कोई नया उद्योग नहीं लगा। हरियाणा के अंदर व्यापारी विस्थापन की सोचने लगे हैं। हरियाणा का नौजवान रोजगार ना मिलने के कारण गुनाह के रास्ते पर चल पड़ता है। हरियाणा के अंदर हर रोज किसी न किसी जिले के अंदर बलात्कार की घटनाएं अखबार में सुर्खियों से छपती है।
हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था समय समय पे इतनी खराब होती है कि पूरा हरियाणा सहम जाता है कि हरियाणा सरकार क्या विफल हो चुकी, हरियाणा सरकार क्या ये कानून व्यवस्था को संभाल नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर काम करके दिखाया है। आपसे पहले हिंदुस्तान के लोग कहते थे सीखना तो अमेरिका से सीखो, यूरोप से सीखो। आज अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आती है तो वहाँ की प्रथम महिला दिल्ली के स्कूलों को देखना चाहती है, कहते हैं मुझे यहाँ से हैप्पीनेस कार्यक्रम को सीखना है। आज यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी दिल्ली के अंदर आते हैं तो वो मोहल्ला क्लिनिक देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कमाल किया है, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर मैं देखना चाहता हूँ। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, यूरोप से सीखो, अब यूरोप और अमेरिका कहता है अरविंद केजरीवाल जी से सीखो, दिल्ली से सीखो कि किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ हरियाणा की व्यवस्था को खट्टर साहब बदले, नहीं तो हरियाणा की जनता आपको बदलने के लिए तैयार बैठी है। वक्त आ गया है कि हमें हरियाणा का निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है। अच्छी शिक्षा चिकित्सा हमें यहाँ पे देनी है, अच्छा बिजली पानी हमने यहाँ पे देना है, लोगों को अच्छा रोजगार देना है, व्यापारियों को तरक्की का रास्ता दिखाना है, किसान की आय को बढ़ाना है और नौजवान को सीधे रास्ते पर लाकर उसके अच्छे रोजगार के प्रबंध करने हैं। ये सारी व्यवस्थाएं राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है, दिल्ली में हमने करके दिखाया है, हम चाहते हैं हरियाणा के अंदर भी हम करें। इसी काम के लिए आज मैं सिरसा, कालावाली, फतियाबाद, हिसार जैसे अन्य क्षेत्रों के अंदर आया हुआ हूँ। राष्ट्र निर्माण अभियान को हमने लॉन्च किया है, 9871-0101 पे मिस कॉल देकर लोगों से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने का निवेदन किया है। हरियाणा से हमें अभी 1,00,000 से ऊपर मिस कॉल इससे मिल चुकी है और मुझे उम्मीद है कि हम हरियाणा में अभी जितने भी निगम के चुनाव हैं, निकायों के चुनाव, हम सारे चुनाव लड़ेंगे और आने वाली विधानसभा के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार। आपने रेप केस की बात कर ली कि हरियाणा में बहुत ज्यादा है, तो हम एक दिल्ली का केस है निर्भया का केस, वो आज उसको 7-8 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई लिया नहीं जा रहा है कि डेथ वारंट जारी कर दिए जाते हैं लेकिन वो फिर से कैंसिल हो जाते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनको जल्दी से जल्दी फांसी मिलनी चाहिए, इस बात के हम पक्षधर है, परंतु जो जुडिशरी सिस्टम है हिंदुस्तान का वो एक लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बदलना आसान काम नहीं है। हमने गवर्नमेंट से बार बार निवेदन किया है कि जुडिशरी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको निगरानी करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पे बना के जल्दी से जल्दी अपने दोषियों को सजा दे। कोरोना वायरस चल रहा है तो दिल्ली सरकार की क्या है चल रही है कि हाँ कोरोना वायरस, दिल्ली सरकार कोरोना वायरस को लेके पूरी सतर्क है, दिल्ली सरकार ने इसको महामारी घोषित किया है, दिल्ली सरकार ने सारे पिक्चर हॉल, सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस बंद कर दिए हैं, दिल्ली सरकार ने हॉस्पिटल के अंदर आइसोलेशन वार्ड किया है। पहली दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने ये जो मास्क है इनके रेट पे कैपिंग लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले इस विषय में देश के प्रधानमंत्री जी से मिले, देश के स्वास्थ्य मंत्री से मिले और मिलकर इस क्षेत्र के अंदर काम करने की मांग की। दिल्ली सरकार ने इसको महामारी जब सबसे पहले घोषित किया और दिल्ली सरकार टास्क फोर्स बना के खुद अरविंद केजरीवाल जी सारे हॉस्पिटल्स पे और सारी स्थिति पे नजर रखे हुई है और पूरी तैयारी के साथ उस पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा में किस तरीके से तैयारी कर रही है इलेक्शंस के लिए? आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के संगठन को 4 जोनों में बांटा है। ये पश्चिमी जोन है, पश्चिमी जोन के अंदर 4 जिले आते हैं, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार। इसी प्रकार हमारा नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, सेंट्रल जोन है, जिनमें 6-6 जिले हैं। हमने संगठन को थोड़ा सा क्षेत्रों में बांटकर ऐसी कोशिश की है कि सीधा पकड़ संगठन का निर्माण और उसका संचालन क्षेत्रीय लोगों के हाथ में रहे और क्षेत्र की सेवा को हम मुद्दा बना सके और हरियाणा को दिल्ली की तरह पे विकसित। अगर आपकी हरियाणा में सरकार बनती है तो हरियाणा में किसानों के लिए बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, तो उसके लिए आपकी सरकार क्या क्या करेगी? हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर विधानसभा में स्वामीनाथन रिपोर्ट को पास किया है। हमारी सरकार ने 50,000 रुपए हेक्टेयर फसल खराबी का मुआवजा, सबसे ज्यादा मुआवजा पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिया है। हमारी सरकार गेहूं का मूल्य 2600 रुपए देना हमने तय किया है।
हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार दिल्ली के किसानों को उत्थान का हमने काम किया, हरियाणा के अंदर भी किसानों को वो सभी सुविधाएं दें।